Hello everyone, in today's lecture we are going to see chapter number 2, Stay Together. Stay का मतलब होता है रहना और together means एक साथ में, means इसका हिंदी मीनिंग होगा एक साथ में रहिए. Okay, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऑफ फोर सन्स एंड फादर, मतलब चार बेटे और पिताजी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप सभी बच्चों को इसको लर्न करना है और इसको अपने जीवन में भी उतारना है. देखिए कभी कभी बहुत सारी स्टोरीज जो हैं हमें बहुत अच्छा अच्छा मॉरल यानी कि नैतिक शिक्षा देती है, बट हम उसको अगर जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो यूजलेस हो जाती है. तो आप सभी बच्चों को ये मॉरल स्टोरी से जो भी आपको मॉरल मिले उसको आपको आपको क्या करना है, आपके जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एन ओल्ड मैन हैड फोर सन्स. एक ओल्ड मैन था यानी कि बूढ़ा व्यक्ति था, उसके कितने बेटे थे, हैड फोर सन्स यानी कि उसके चार बेटे थे. दे ऑलवेज क्वारल्ड अबाउट वन थिंग और द अदर. वन थिंग और द अदर का मतलब होता है एक या दूसरी चीज़ों के लिए, अबाउट के बारे में क्वारल्ड मतलब झगड़ते थे. ऑलवेज हमेशा, दे वे हमेशा एक या दूसरी चीज़ों के लिए हमेशा क्या करते थे, झगड़ते थे. द ओल्ड मैन फेल्ट वेरी सैड अबाउट दिस. जो ओल्ड मैन था, ये बूढ़ा व्यक्ति था, फेल्ट वेरी सैड का मतलब होता है उसे बहुत दुख होता था अबाउट दिस, इसके बारे में जब वो देखता था सुनता था तो उसे बहुत दुख होता था. ही ट्राइड हार्ड टू स्टॉप देयर क्वारल्स. ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की. ट्राइड हार्ड का मतलब होता है उसने बहुत सारी कोशिश की टू स्टॉप, रोकने के लिए. देयर क्वारल्स मतलब उनका झगड़ा रोकने के लिए उसने बहुत कोशिश की. ही सेड टू देम, उसने उनको कहा, डू नॉट क्वारल लाइक दिस. डू नॉट क्वारल का मतलब होता है झगड़िए मत, लाइक दिस इस तरीके से झगड़िए मत. ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है. बी गुड ब्रदर्स, हमेशा अच्छे ब्रदर्स बन के रहिए. बी गुड ब्रदर्स मतलब अच्छे ब्रदर्स बन के रहिए, अच्छे भाई बन के रहिए. देन यू विल बी एबल टू लीव हैप्पी लाइफ. देन मतलब फिर ही आप, यू विल बी एबल टू लिव, आप रह पाएंगे, कैसी लाइफ जी पाएंगे, हैप्पी लाइफ्स मतलब खुशी भरी जिंदगी जी पाएंगे. फिर ही आप खुशी भरी जिंदगी जी पाएंगे. बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन वो उन्होंने उसके बात नहीं सुने. एंड ही कुड नॉट स्टॉप देयर क्वारल्स, और उन्होंने अपना झगड़ा बंद नहीं किया. इयर्स पास्ट, कुछ साल बीत गए. द ओल्ड मैन फेल इल, और बूढ़ा व्यक्ति क्या हुआ, फेल इल यानी कि बीमार हुआ. एंड वॉज अबाउट टू डाई, और वो मरने वाला था. देखिए यहाँ पर अबाउट टू जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाला हूँ, वाले हैं. ये हम हमारी क्लास में पढ़ चुके हैं. अबाउट टू का मतलब होता है वाला हूँ, वाले. तो वो मरने वाला था. ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बच्चों को कहा. ही कॉल्ड हिज सन्स, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया. टू हिम, उसके पास बुलाया. एंड सेड, और कहा, ब्रिंग मी अ स्टिक, लकड़ियाँ लाइए मेरे लिए. ब्रिंग मी अ स्टिक, मेरे लिए लकड़ियाँ लाइए. ईच वन ऑफ यू यानी कि आप सब में से एक एक लकड़ियाँ मेरे लिए लाइए. द सन वेंट आउट, जो लड़के थे वो बाहर गए. एंड ईच ऑफ देम केम बैक विथ अ स्टिक, और ईच ऑफ देम मतलब उनमें से सभी केम बैक वापस आए विथ अ स्टिक यानी कि स्टिक यानी कि लकड़ी के साथ में वापस आए. द ओल्ड मैन सेड टू हिज एल्डेस्ट सन. द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने सेड टू कहा हिज एल्डेस्ट. एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, है ना. हिज एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बच्चे को उसने कहा, टाई दिस स्टिक्स टूगेदर इन टू अ बंडल. मतलब टाई का मतलब होता है बांधना. दिस स्टिक्स मतलब ये लकड़ियों को टुगेदर एक साथ में, इन टू अ बंडल यानी कि बंडल में इन सभी लकड़ियों को साथ में बांध दीजिए. द सन टाइड द स्टिक्स टुगेदर टाइटली विथ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और लड़के ने क्या करा, द सन टाइड यानी कि बांध दिया. किसको बांध दिया, द स्टिक्स लकड़ियों को टुगेदर एक साथ में, टाइटली बहुत टाइट, विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग यानी कि एक डोरी से उसको सभी को एक साथ में बांध दिया. नाउ द फादर सेड, अब उनके पिताजी ने कहा, ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स इंटू टू. अब क्या करो, आप क्या करो, ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, ये स्टिक्स का जो बंडल है इसको दो भागों में ब्रेक करो, तोड़ो. द बॉय ट्राइड हार्ड टू ब्रेक इट, लड़के ने बहुत कोशिश करी उसको ब्रेक करने की, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर पाया. ईच ऑफ द अदर ब्रदर्स ट्राइड इन द सेम वे, दूसरे सभी लड़कों ने भी इसी तरीके से कोशिश करी, बट नन ऑफ देम, लेकिन उसमें से कोई नहीं,
could break the bundle, लेकिन वो bundle उसमें से कोई भी break नहीं कर पाया. It was too strong to break. वो break करने के लिए कैसा था? बहुत ही strong था, यानी कि बहुत ज़्यादा heavy था. Now, the old man smiled and said, old man ने smile की और कहा, now untie the bundle. अब क्या करो आप? Bundle को खोल दो. Untie means खोलना. Bundle को खोल दो. And each of you take your sticks back. और आप में से सभी अपनी अपनी लकड़ियाँ जो है, स्टिक्स है, वो वापस ले लो. The sons untied the bundle. यानी कि लड़कों ने untied the bundle, बंडल को खोल दिया. And took their sticks back. और अपनी अपनी जो लकड़ियाँ हैं वो वापस ले ली. The old man said, अब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, now break your sticks. अब आपकी लकड़ियाँ तोड़िए. Each one put his sticks across his knees and effortlessly broke it into two. Each one, सभी ने put his sticks, रखी लकड़ियों को, रखी कहाँ? रखी across his knees, उनके घुटनों पर रखी. and effortlessly, बिना प्रयत्न के, break it into two, दो भागों में उसको तोड़ दिया. Now the father said to them, अब उनके पिताजी ने कहा, listen carefully to my last words. Listen carefully मतलब बहुत सावधानी से सुनिए, ध्यान से सुनिए. To my last word, मेरे अंतिम शब्द एकदम ध्यान से सुनिए. When the sticks were together in a bundle, जब बंडल में, in a bundle मतलब बंडल में, together साथ में, sticks were, sticks थी, जब लकड़ियाँ बंडल में एक साथ में थी, you were not able to break them, आप उसको नहीं break कर पाए, नहीं तोड़ पाए. then you untied the bundle, फिर आपने क्या किया? बंडल को आपने खोला, untied किया, and separated them, जब आपने उसको separate किया, as each one of you had only one stick to break, जैसे कि सभी के पास में केवल एक stick थी तोड़ने के लिए. this time, इस बार, your task became easy. आपका टास्क कैसा हो गया? एकदम इजी हो गया. टास्क मतलब कार्य, है ना, पीस ऑफ वर्क को बोलते हैं. यू वर एबल टू ब्रेक द स्टिक्स इजीली, आप क्या कर पाए? स्टिक्स को इजीली ब्रेक कर पाए. सो माय सन्स, इसीलिए मेरे बच्चों, नेवर क्वारल, कभी भी झगड़ना मत. यू मस्ट स्टे टुगेदर टू बी सेफ फ्रॉम योर एनिमीज. फ्रॉम योर एनिमीज का मतलब होता है आपके दुश्मन से. बी सेफ, बचने के लिए. यू मस्ट स्टे टुगेदर, आपको एक साथ में रहना पड़ेगा. यू मस्ट स्टे टुगेदर टू बी सेफ फ्रॉम योर एनिमीज. एनिमीज मतलब शत्रु. नो वन विल देन बी एबल टू हार्म यू. नो वन विल देन बी एबल टू हार्म यू, यानी उसके बाद में आपको कोई भी हार्म, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा. तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है, इनमें जो भी वोकैबुलरी आपने सीखी है, उस सभी वोकैबुलरी को आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है. वीडियो को एक से दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको वापस से रिवाइंड करके देखें, और देखने के बाद में आपको जहाँ जहाँ जो जो वर्ड्स हमने बताए हैं, आपको उसको याद भी करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई ट्रबल ना हो. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू एंड गुड बाय.